नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केथरी गुरु ट्रैवल में। मेरा नाम है संदीप। आज मैं आपको बताऊंगा कि 13 अप्रैल से एक नई हमसफ़र एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। जी हाँ, तो दिल्ली और बिहार के बीच ये नई हमसफ़र एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है 13 अप्रैल से। आज 15 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दो दिन लेट हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ये की हाइलाइट्स हैं यहाँ पर। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलेगी, दो दिन आप जा सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन से दिन हैं और वहाँ से कटिहार से लौट कर आप किस दिन आ सकते हैं। और दूसरी हाइलाइट, ऑल इलेक्ट्रिक है। जी हाँ, इसमें ऑल इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये। स्टार्ट डेट 13th of April 2018। 13 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुकी है, कनेक्टिंग दिल्ली कटिहार बिहार। तो ये जो मिडिल क्लास पैसेंजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको लो कॉस्ट में एक स्पीडी ट्रैवल देने के पर्पस से इसको स्टार्ट किया गया है। ट्रेन नंबर जो है वो 15705 है। डिस्टेंस कवर्ड 1472 किलोमीटर है, यानी 1472 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगी और बीच में 15 स्टेशनों पर ये रुकेगी। आगे देख लेते हैं किन किन स्टेशनों पर ये रुकेगी। पूर्णिया, दौरम, माधेपुरा, सहरसा, खागरिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, बेटिया, नरकटियागंज, गोरखपुर, नौगढ़, बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ और कानपुर, ये इन स्टेशनों पर रुकेगी अदर देन दिल्ली एंड कटिहार। ट्रेन की टाइमिंग्स देख लेते हैं जल्दी से। तो जो दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफ़र एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से स्टार्ट होकर कटिहार तक जाएगी, उसकी टाइमिंग है हर मंगलवार और शुक्रवार को ये स्टार्ट होगी। कितने बजे? दोपहर को 2:15 बजे, 1:45 पर यह स्टार्ट होगी न्यू दिल्ली स्टेशन से, और कटिहार ये पहुंचेगी शाम को 7:20 पर अगले दिन। सेम अगर आप कटिहार से वापस आ रहे हैं दिल्ली, तो कटिहार दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस, तो ये कटिहार से स्टार्ट होगी हर सोमवार और गुरुवार, सॉरी, ये स्टार्ट होगी 5:40 AM यानी सुबह 5:40 पर, और दिल्ली पहुंचेगी 11:40 AM यानी 11:40 सुबह 11:40 पर ये दिल्ली पहुंच जाएगी अगले दिन। ट्रेन फेयर कितना किराया देना होगा इसके लिए? तो इसके लिए बेस फेयर जो है वो 1675 रुपये रखा गया है। हाईएस्ट पॉसिबल फेयर जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे ने अभी डायनेमिक फेयर सिस्टम कर दिया है, तो जैसे जैसे ट्रेन की सीट भरती जाएंगी वैसे वैसे सीट का किराया बढ़ता जाएगा। तो जो बेस फेयर है वो 1675 रुपये रखा गया है। हाईएस्ट पॉसिबल फेयर जो है वो 2581 रुपये रखा गया है, यानी कि अगर आप लास्ट सीट उस ट्रेन में लेते हैं तो आपको 2581 रुपये, 2581 रुपये देने होंगे। इसके अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो उसके लिए सरचार्ज 880 रुपये रखा गया है। और अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं और आप उनकी टिकट बुक करना चाहते हैं, तो अगर बच्चों की उम्र 5 से 11 साल के बीच में है, तो उनका मिनिमम जो नेट किराया है वो आपको देना होगा 889 रुपये, और जो मैक्सिमम नेट जो किराया है वो देना होगा 1319 रुपये। तो ये था दिल्ली कटिहार हमसफ़र एक्सप्रेस, जो नई ट्रेन स्टार्ट की है इंडियन रेलवे ने, इसके बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हमने बताई हो आपको और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो, हम ज़रूर सुधार करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 88 न्यू सब्सक्राइबर्स का, जो पिछले वीडियो से इस वीडियो के बीच में हमसे जुड़े हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। और हमारे चैनल पर अभी करीब 2500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाल बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।